सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। आप लोग सपोज करें कि आपके पास कोई एक बर्तन है, ये इसमें ये सॉल्ट पड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। पेपर में वो आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि बताएं कि जी ये सॉल्ट का नाम क्या है। तो सॉल्ट कोई भी हो, वो आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। पॉजिटिव आयन को कैटाइन और नेगेटिव आयंस को एनायंस कहते हैं। तो हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव आयन कौन सा है और नेगेटिव आयन कौन सा है। तो मसलन हमारे पास पॉजिटिव आयन जो निकलता है उसका नाम है जी Fe+2, और नेगेटिव आयन जो निकलता है उसका नाम है Cl-। तो इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बना दें तो क्या बन जाएगा, FeCl2, यानी आयरन क्लोराइड, दैट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट। ये वैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव आइंस के टेस्ट करेंगे। तो हम लोग टेस्ट फॉर कैटाइंस यानी पॉजिटिव आइंस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने दो टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, ठीक है जी। ये दो टेस्ट ट्यूब हैं, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा ये सॉल्ट डाल देना है और पानी डाल देना है, और उसको अच्छे तरीके से हिलाना है तो वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा सारा, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। यू गॉट इट गाइस? यस। उसके बाद आपने जो ये दोनों टेस्ट ट्यूब है इनको नाम दे दो, टेस्ट ट्यूब 1 का और टेस्ट ट्यूब 2 का। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आप 5 से 10 ड्रॉप डाल दें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि स्ट्रॉन्ग एल्कली होती है। स्ट्रॉन्ग चीज एक ऐसी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसको पानी में डालो तो वो फुली आयोनाइज होती है, यानी एक एरो लगाते हैं तो ये Na पॉजिटिव बन गया और OH नेगेटिव बन गया, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने 5-10 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया के डालने हैं, जो कि वीक एल्कली होती है। वीक एल्कली पार्शली आयोनाइज होती है, उसमें ये रिवर्सिबल का साइन होता है। तो ये देखें, ये अमोनिया, इसको पानी में आपने डाला है, ठीक है जी। तो व्हाट वुड हैपन, ये वाटर इसको अपना एच दे देगा, तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और OH नेगेटिव। मैंने आपको एसिड की डेफिनेशन बताई थी कि एसिड क्या होता है, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव डोनर होता है, जो डोनेट कर देता है। और बेस क्या चीज होती है मेरे बच्चों, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, यानी H पॉजिटिव एक्सेप्टर। तो ये देखें, ये NH3 है, ये इधर NH4 पॉजिटिव है, तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये आपकी बेस हो गई और ये आपका एसिड हो गया। समझ लगी है बात की? तो ये दो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 5-10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली के, और दूसरी में 5-10 ड्रॉप एक्वस अमोनिया यानी वीक एल्कली के डाल दिए। अब दो काम हो सकते हैं, या तो इन दोनों टेस्ट ट्यूबों में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा या प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब एक सॉलिड चीज बन जाएगी, नजर आना बंद हो जाएगा अक्रॉस द टेस्ट ट्यूब, ठीक है जी। तो ये दो काम हो सकते हैं, तो वो दो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा जी, ये जो दो काम हो सकते हैं, वो दो काम क्या है कि नो प्रेसिपिटेट आर फॉर्म या प्रेसिपिटेट फॉर्म। अगर तो आपके प्रेसिपिटेट नहीं बनते, यानी आपका जो सोल्यूशन है वो क्लियर रहता है टेस्ट ट्यूब में, तो आपका एक ही पॉजिटिव आयन हो सकता है जिसका नाम है अमोनियम, NH4+1 अमोनियम मे बी प्रेजेंट। उसको कंफर्म करने के लिए मेरे बच्चों आप लोग क्या करोगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब 1 थी इसमें आपने पहले 5-10 ड्रॉप डाले थे, अब इसके अंदर एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, ठीक है जी। तो ये मैंने आगे लिखा हुआ है, ये देखें, टेस्ट ट्यूब 1 इसमें एक्सेस में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दी, इसको हीट करना है जेंटली, ठीक है जी। और एक गैस बनेगी जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, वो अमोनिया गैस होगी और आपका अमोनियम कंफर्म हो जाएगा, योर अमोनियम दैट इज बीइंग कंफर्म्ड। यू गॉट इट? यस। दूसरी चीज, अगर आपके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट का मतलब कि ये जो दोनों आपकी टेस्ट ट्यूब है इनके अंदर कोई सॉलिड चीज बन जाती है इस तरह, यानी नजर आना बंद हो जाता है आपको, इसके अक्रॉस सॉलिड पार्टिकल्स बन गए हैं, तो वो कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए हैं। तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए हैं तो कलर देखना है प्रेसिपिटेट का, या तो व्हाइट हो सकते हैं या ब्लू या ग्रीन या रेडिश ब्राउन, ठीक है जी। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे तो ये तीन पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, Al+3, Ca+2 और Zn+2, और अगर ब्लू होंगे तो Cr+2, ग्रीन होंगे तो Cr+3 या Fe+2, और रेडिश ब्राउन होंगे तो Fe+3, ठीक है। और उसके बाद जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं उनके अंदर आपने पहले 5-10 ड्रॉप डाले हुए थे, अब दोनों के अंदर एक्सेस में वही चीज डाल दो जो आपने
पांच से दस ड्रॉप डाले थे। तो एक्सेस में डालने से क्या होगा कि वो जो प्रेसिपिटेट होंगे वो या तो सोल्यूबल होंगे या इनसोल्यूबल होंगे। तो ए एल प्लस थ्री के लिए आप लोग वर्ड याद कर लें साए का, कि ए एल प्लस थ्री के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये जो पहला कॉलम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉलम है, दूसरा वाला एक्वस अमोनिया का। तो ये एल्यूमिनियम के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं विच आर सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इनसोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया। तो ये चीजें सारी याद कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, पेपर में अगर आ जाए तो ये छोटा सा करके लिख लीजिएगा ए एल प्लस थ्री साए, कैल्शियम प्लस टू इन, आई का मतलब इनसोल्यूबल, एन का मतलब नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, और जिंक इसके लिए सस, यानी सस का मतलब सोल्यूबल, सोल्यूबल यानी एक्वस अमोनिया और उस दोनों में सोल्यूबल है। और तीसरी चीज, ये जितने भी प्रेसिपिटेट बनते हैं वो सारे प्रेसिपिटेट के साथ हाइड्रोक्साइड यानी लगा होता है, यानी ये कॉपर प्लस टू अकेले का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, इसके साथ हाइड्रोक्साइड लगा होगा, तो उसका फॉर्मूला CuOH ट्वाइस होगा। समझ लग गई है? अगर वो तुम्हें कहता है कि आयरन थ्री का प्रेसिपिटेट बने तो उसका नाम बताओ, तो उसका नाम क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोक्साइड लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, FeOH थ्राइस। तो ये आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है। यू गॉट इट गाइस?